जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले 6 लोगों की समस्या का हल वहां के प्रशासन ने नहीं किया तो यह लोग पानी की टंकी पर चढ़कर हरदोई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुबह से ही ओवरहेड टैंक पर चढ़े लोग हरदोई प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन हरदोई के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि पहले भी कई बार लखनऊ और हरदोई में ओवरहेड पानी टंकी पर अपनी मांगों को लेकर ये लोग चढ़ चुके हैं। हरदोई से आए इन 6 लोगों का हाई वोल्टेज ड्रामा सुबह 6 बजे से ही शुरू हुआ है, जिसको लेकर मौके पर पहुंची प्रयागराज पुलिस उतारने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पानी की टंकी पर चढ़े लोग जमीन कब्जा होने और बंदर की मौत की सीबीआई जांच समेत 15 मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। मौके पर कैंट थाने की पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और आला अधिकारी पहुंचकर पानी की टंकी से लोगों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन समस्याओं से हरदोई प्रशासन को रूबरू करा दिया गया है। इन लोगों से अपील की जा रही है कि नीचे उतर आए। नीचे हरदोई के रहने वाले हैं, वहाँ के सुरसा थाना क्षेत्र का, क्योंकि वहाँ के कुछ जमीन के इश्यूज हैं, कुछ वहाँ पे मुकदमे भी पंजीकृत हैं चुरवाली और सुरसा में, उसी को लेकर के कार्रवाइयों से ये असंतुष्ट हैं, जैसा कि इनसे बातचीत करने का भी पता चला है। जो इनके ग्रीवेंसेस थे इस संबंध में हरदोई को पता भी किया गया, बताया गया है वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोगों को और वहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। वो इनके पास क्योंकि 2 नंबर है, सीधे बात भी कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार इनसे संपर्क में हैं। अभी इनसे बातचीत करके कोशिश की जा रही है कि इनको नीचे लाया जाए, फिर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।